बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता जो भले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से तो बाहर हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी तनुश्री दत्ता अब सपोर्ट कर रही है राखी सावंत के एक्स हस्बैंड यानी कि आदिल खान दुर्रानी को। आपको बता दें कि आदिल खान दुर्रानी को लेकर इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है जहां हाल फिलहाल में आदिल खान के साथ सपोर्ट करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आई तनुश्री दत्ता। तो वहीं अब तनुश्री दत्ता ने राखी सावंत पर किए कई चौंकाने वाले खुलासे। यहां तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि राखी सावंत ने ली है दो लड़कों की जान। अब सवाल ये है कि आखिर वो दो लड़के कौन थे जिनकी राखी सावंत की वजह से जान चली गई थी, क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। और सबसे पहले सुनाएंगे आप सबको तनुश्री दत्ता की वो बाइट, वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने खुद इस बात का दावा किया कि राखी सावंत की वजह से दो लड़कों की जान गई थी। देखिए ये रिपोर्ट। राखी सावंत अलग हो चुकी है। राखी सावंत उनके पति आदिल खान दुर्रानी के साथ चल रहे विवाद की लड़ाई चर्चा में है। पति पत्नी की इस लड़ाई में कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री टॉप एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता भी सामने आ चुकी हैं। उन्होंने आदिल के साथ मीडिया वालों से बात की और राखी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राखी पर दो लड़कों की जान लेने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि दो लड़कों ने सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि राखी उनके खिलाफ, वो राखी के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे, वो काफी समय तक से केस लड़ रहे थे लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला जिसके बाद उन्होंने अपनी जान दे दी। तनुश्री दत्ता ने कहा पुराने पीड़ित बिल्कुल भी राखी का सामना नहीं करना चाहते थे, वो उनके बारे में बहुत बुरा बोलती थी। ऐसे दो मामले हैं जहां पर दो लड़कों ने अपनी जान दे दी थी। राखी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था और उस पर जान लेने का और उन्हें उकसाने का आरोप भी लगा था। तो ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि तनुश्री दत्ता ने किया है। और अब ऐसे में खबर आ रही है कि तनुश्री दत्ता के इस खुलासे के बाद अब राखी सावंत के खिलाफ अब ये केस फिर से खुल सकता है। और अगर इस केस की जांच पड़ताल की गई, छानबीन की गई तो यहाँ पर सच्चाई सामने आई। राखी सावंत के खिलाफ अगर सबूत मिलते हैं तो राखी सावंत जा सकती है जेल की सलाखों के पीछे। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।